जन्म लिया इन पहाड़ों पर, पहाड़ों से रिश्ता है बड़ा पुराना। आरोहण कर इनका धीरे धीरे मैंने इन पहाड़ों को है जाना। कभी नदियों के किनारे, कच्चे रास्तों के सहारे, मुश्किलों को पार कर जब से इन पहाड़ों को है पहचाना, ये पहाड़ लगे जैसे मरहम और जख्म हो जमाना। हर कहीं जिंदगी की दौड़ है रोजाना, उस दौड़ से परे मैंने बस खुद को है आजमाना। जब से है इन पहाड़ों को जाना, बुलंद है हौसले, सीखा है सर झुकाना। मैं जब भी किसी लंबे ट्रैक में निकलता हूँ, कुछ अलग सा सुकून मिलते हैं। एक ऐसा सुकून जो मुझे सिर्फ पहाड़ों पे चढ़कर मिलते हैं, जो एक्सपीरियंस किसी लंबी यात्रा को कंप्लीट करके मिलते हैं, जो मेमोरीज किसी लंबे ट्रैक में बनती हैं, कभी नहीं भुलाई जा सकती। उन यादों में कुछ पल जहाँ संघर्ष के होते हैं, तो वहीं कुछ पल सुकून के भी होते हैं। आज की तारीख थी 29 मई 2023 और आज हम लोगों को ये ट्रैक शुरू किए हुए 2 दिन हो चुके थे। आज अपनी ट्रैकिंग का 3रा दिन था और प्लान के अकॉर्डिंग आज हमको सीधा रालम गांव तक जाना था। हम लोगों ने कल की रात लिंगुरानी में गांव वालों के साथ बिताई और आज की सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, क्योंकि अभी रालम गांव बहुत दूर था, जिस कारण प्लान थोड़ा जल्दी निकलने का था। पर जब तक हम लोग उठे, हमने देखा गाँव के ज़्यादातर लोग रालम को निकल चुके थे और जो बचे हुए थे वो निकलने की तैयारी में थे। तो हम लोगों ने भी फटाफट अपना कैंप पैक किया और सुबह का नाश्ता करके फटाफट ट्रैक शुरू किया। अभी देखिए गाइस, इतनी लेट धूप आ रही है। अभी यहाँ पहाड़ों में हल्की हल्की धूप आ रखी है यार, यहाँ पहुँचने में तो कितना टाइम लग जाएगा भाई इस धूप को। और अगर इस साइड दिखाऊं तो यहाँ भी कहीं ऊपर हल्की सी आ रखी है, तो धूपी जगह पे काफ़ी लेट आती है यार। तो यार अभी टाइम हो रहा है 7:45 और अभी हम लोगों ने Day 3 में रालम ग्लेशियर का ट्रैक फिर से शुरू कर दिया यार। कल की रात यहाँ पे स्टे किया और आज सुबह खाना वाना खाने के बाद यहाँ से सीधे हमको आज रालम गांव तक जाना है। देखते हैं यार कितना कर पाते हैं, पहुँच पाते हैं या नहीं ये नहीं पता, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी रालम गांव में पहुँचने की। चलना बहुत है लेकिन हाइट ज़्यादा नहीं चढ़नी है हमको, हल्की हल्की चढ़ाई कहीं पे होगी लेकिन ऐसे खड़ी धार नहीं आएगी, जिस कारण से हो सकता है हम Day 3 में ही रालम पहुँच जाएँ। यार प्लान तो आज ही रालम गांव पहुँचने का था, पर रालम गांव हमारी सोच से भी ज़्यादा दूर था। अगर मैप की हेल्प से बताऊं तो इस जगह पे अपनी कल की रात गुजरी थी और आज हमको लिंगुरानी से रालम नदी के साथ चलते हुए सीधा रालम गांव तक जाना था। आज का ट्रैक रोमांचक और बड़ा ही खूबसूरत रहने वाला था गाइस, क्योंकि हम लोगों ने रालम वैली में एंटर कर लिया था जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी थी। रालम नदी का बोले तो रालमगढ़ का बहाव देखिए भाई, उफनती हुई नदी आ रही है यहाँ से, और बरसात के टाइम पे अगर बारिश रही अच्छी खासी तो ये देखिए कितने सारे पत्थर अपने साथ लेके आई है यार। एकदम बड़े बड़े पत्थर है, बहुत बड़े, जो रालम नदी अपने साथ बहा के लेके आई है भाई। इन्हीं पत्थरों को देख के इसका उफान पता चल रहा है गाइस, देखिए कितने बड़े पत्थर है यार, घर की साइज़ के दुगने तिगने पत्थर है यहाँ पे। यहाँ पे तक धूप आई हुई है एकदम चटक वाली, और यहाँ से देखिए एकदम छाया, कारण है ये पहाड़ भाई। लगभग 9:30 होने वाला है और अभी तक सनराइज़ नहीं हो रखा इस साइड को, क्योंकि सामने पे बहुत बड़ा एक पहाड़ है। भाई ये नज़ारा मैंने किसी YouTube वीडियो में देखा था, यहाँ पे पुल बना हुआ है देखिए बीच में, और ये पुल है भाई बर्फ़ का। दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी है, लेकिन क्या है कि नीचे से बर्फ़ है और ऊपर पे मिट्टी आने के कारण ये लग रहा है कि मिट्टी का है, लेकिन अभी आपको करीब चल के दिखाते हैं। ये पुल बना हुआ है
पूरी बर्फ का भाई, और नीचे से नदी होके आ रही है रालमगढ़। अगर आप वहाँ पे देखो तो बर्फ़ दिखाई पड़ रही है पूरी, ऊपर से मिट्टी जमी हुई है। यहीं से पार शायद मेरे ख्याल से राजरंबा के लिए जाते हैं लोग, और राजरंबा इस गैप में है इधर, क्योंकि एक वीडियो में देखा था यहाँ से कुछ लोग जा रहे थे ऐसे, और हमको इधर जाना। यहाँ से हम लोगों ने ये पार करने है, बर्फ़ का ऊपर से पूरा राड़ा आया हुआ है, इसको पार करना है यहाँ पे, और हल्का सा रास्ता बना हुआ है। ये बर्फ़ लेकिन बहुत हार्ड होगी यार, जहाँ तक मेरा मानना है लगता है, और मिट्टी है इसके ऊपर जिस कारण से चलना थोड़ा सा ईजी है, वरना अगर ये बर्फ़ होती पूरी मिट्टी नहीं होती तो और ज़्यादा दिक्कत होती यार, लेकिन अभी भी दिक्कत है तो हैं यार। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है साला ये क्रॉसिंग करनी ही पड़ती है लोगों को, हमेशा ऐसे ही रहता होगा क्या यहाँ पे? ऊपर से आया हुआ है देखे, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे साला इतनी बर्फ़ इकट्ठा कहाँ से पता नहीं। और एक गलती नहीं है भाई, जितनी वीडियोस मैंने देखे है ये बर्फ़ हमेशा ऐसी ही रहती है। रालम नदी के किनारे किनारे चलते हुए आगे बढ़ना एक अलग ही सुकून दे रहा था। सुबह के लगभग 7:30 बजे हुए थे, और लोकल के लोगों के अकॉर्डिंग हमको आज रालम गांव तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर चलना था, लेकिन जब हम लोगों ने चलना शुरू किया तो दिन भर चले, रात होने को आ गई, पर हम लोग रालम गांव नहीं पहुँच पाए। ये ट्रैक सच में बहुत लंबा था यार, आज दिन भर चलकर भी हम लोग उस जगह में पहुँचने वाले थे जहाँ से रालम गांव 5 किलोमीटर दूर था। क्या कहने तरुण भैया, धीरे धीरे कहीं कहीं पे जहाँ पे जगह है वहाँ पे रुके होंगे। पीछे भी जो दा मिले उनसे हमने पूछा कितना चलना है, कितना हम आ गए होंगे, उन्होंने तो भाई कुछ अलग ही आंकड़े बता दिए यार, कहते कि आज नहीं पहुंचोगे, और बता रहे कि यहाँ से 50 किलोमीटर और चलने। ये हर कहीं होता है यार, जहाँ भी ट्रैक पे जाते हैं कोई बंदा तो मोटिवेशन देता है, कहते हैं कि पहुँच जाओगे, कुछ कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लो नहीं पहुँच पाओगे। दाजू ने भी यही किया है, देखते कितना जाने। रास्ता बढ़िया है फिलहाल तो, और दा ही बता रहे थे कि आगे रास्ता ख़राब है एकदम, इतना पतला सा, देखते हैं कैसा है आगे। चलते हुए जा रहे थे, जो दा मिले उन्होंने बताया ये है राजरंबा ग्लेशियर, यहीं से जाते हैं राजरंबा ग्लेशियर के लिए, और जो राजरंबा की टॉप की पीक है वो यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रही, ऊपर कहीं ऐसे पड़ती होगी बादल ढके होने के कारण यहाँ से दिख नहीं पा रही यार, लेकिन यहाँ से राजरंबा ग्लेशियर बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। रालम वैली में सिर्फ रालम ग्लेशियर ही नहीं बल्कि और भी कई सारे ग्लेशियर्स हैं, जहां जाकर अपने कुमाऊं की असल सुंदरता साफ साफ नजर आती है। उनमें से ही एक राजरंबा ग्लेशियर है गाइस, जो रालम वैली में पड़ते हैं, जहां जाकर कुमाऊं की 6,537 मीटर ऊंची चोटी राजरंबा पीक साफ साफ दिखाई पड़ती है। अभी हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे थे जहाँ से राजरंबा ग्लेशियर साफ साफ देखा जा सकता था। अगर राजरंबा के इर्द गिर्द बादल ना होते तो यहाँ से हमको राजरंबा पीक का क्लियर व्यू दिखाई देता। थोड़ी देर पहले जो अंकल हम लोगों को मिले थे, हमने उनसे रालम गांव की दूरी पूछी, और बदले में अंकल जी ने हमको डीमोटिवेट कर दिया। अंकल जी का कहना था कि हम लोग आज भी रालम गांव नहीं पहुँच पाएंगे। उनके अकॉर्डिंग हम लोग आज मैक्सिमम मरछाली विलेज तक पहुँच पाएंगे, जहाँ से रालम गांव 5 किलोमीटर और था। पहले तो उनकी इस बात पे हमको यकीन सा नहीं हुआ गाइस, पर धीरे धीरे ट्रैक करते हुए अब हमको भी लगने लगा था कि
कि अंकल जी एकदम सही थे। भाई डे 3 का ट्रैक तो बहुत खूबसूरत है यार। आज चलते हुए ये नज़ारे दिखाई पड़ रहे हैं सामने, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं भाई। रालम कितना दूर है यहाँ से? दूर है। है अभी? बहुत दूर है। शाम तक हो जाएगा? कहाँ से आ रहे हो? यही लोकल थल से हैं। थल से? आप कहाँ से हो? बंगाल से। अच्छा, बंगाल से। तुम लोग क्या उधर किस लिए जा रहे हो? ये वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे चैनल है। अच्छा, तो यहाँ ये वीडियो बना जाते रहते इधर उधर। अगर एक चीज आप लोगों को अभी वीडियो बन चल रहा है क्या? अभी ऑन है। ऑन है। जो चीज हमको नजर आया, हाँ, ये रास्ता जो है ना, ये बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ। और ये अभी कुछ नहीं मिला, इसका आगे से बहुत खूबसूरती मिलेगा किल्टम से, और ये पूरा खत्म हो जाएगा। जितना प्लास्टिक पड़ा हुआ है ये गंदगी अगर नहीं हटे, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। या तो इसका क्लीनिंग करना चाहिए, नहीं तो DM साहब से बोल के कुछ ना कुछ करना चाहिए। तिलबाग का जो टुकड़ा है ना गुटखा का, पूरा रैपर पड़े हैं पूरे में। यही हम भी वीडियोस में बोलते रहते हैं अपने कि जहाँ भी जाओ कचरा तो मत फैलाओ, हर एक फैलाना छोड़ देगा तो वैसे ही कम हो जाएगा। यूज करो भाई, नीचे लग जाए। देखो भाई, हम भर के लेके जा रहे हैं क्योंकि हमको नीचे ही देना है, ये गंदे के ऊपर नहीं। सही बात, थैंक यू। तो यार जो भैया थे वो थे बंगाल के, बंगाल से यहाँ पे आ रखे हैं। बड़ा ग्रुप आया हुआ है, शायद लगभग 30 से 35 लोगों का ग्रुप है। तो कुछ लोग अभी पहले निकल गए, ये अभी जा रहे हैं, तो ये भी वहीं से आ रहे हैं। और इन्होंने बताया पहली बार अभी कि शाम तक रालम पहुंच जाओगे यार। ये थे बढ़िया आदमी। अगर आप कहीं घूमने निकलते हो या कहीं पे भी आप होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे भाई, अगर आप पे रैपर्स हैं, कैरी नहीं करना चाहते तो भाई जला दो उनको, लेकिन फैलाओ मत भाई। अगर हर एक बंदा फैलाना छोड़ देगा तो भाई गंदगी होगी नहीं यार। इतनी दूर आने के बाद भी अपने लोकल के कुछ लोग मिल रहे हैं। ये बुबू जी मिले यहाँ पे, ये वहीं अपने लोकल एरिया के हैं। थल से कुछ दूर बांसबगड़ एक टाउन पड़ता है, ये वहीं के गांव के यहाँ रहने वाले हैं। 50 साल के हैं और अभी भी भाई यहाँ पे अकेले संघर्ष कर रहे हैं भाई, इतने जानवरों के साथ। देखिए अकेले लेके आए हुए हैं इनको, टेंट लगाया हुआ है, सामान है। जाने के लिए तो लड़का आता ना। अच्छा, अरुण ही अकेले बेबू, लेकिन यही संघर्ष है भाई पहाड़ों का। यहाँ पे अगर जीवन शैली आपको दिखाऊँ, जितना अभी तक हो सका है, मैं हर जगह जाके आपको यही दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यार जो लोग रहते हैं ऐसे, हिमालयन शेफर्ड्स भाई, इन लोगों की लाइफ बहुत कठिन है यार। हमको 3रा दिन है आज, और जो कठिनाई हमको लग रही है तो फील कर रहे हैं हम उस चीज़ को। तो उस हिसाब से अगर इनका देखा जाए यार, इनको यहाँ पे महीनों महीनों रुकना होता है, चैलेंज तो है यार। आज तक मैं जितनी भी जगहों पे घूमने गया हूँ, जितने भी ट्रैक्स मैंने किए हैं, एक बात अच्छे से समझ में आई है, ऐसी जगहें घूमने के मोटिव से तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर जब बात ऐसी जगहों पर रहने की होती है तब वहाँ का असल संघर्ष समझ में आते हैं। अपने जानवरों को लेकर ऐसे रिमोट लोकेशन पे आना जहाँ खुद के जीवन का संघर्ष बड़ा ही कठिन है, वहाँ इतने सारे जानवरों की देखरेख करना बहुत बड़ी बात है यार। हम लोग तो बस हफ्ते भर के लिए यहाँ आए थे, पर जिन लोगों को यहाँ पूरे 4-5 महीने रुकना था, उनका संघर्ष शायद ही कोई समझ पाता, क्योंकि हमारा संघर्ष और उनका संघर्ष एकदम अलग था। हम सिर्फ घूमने यहाँ पे आए थे, जितना संघर्ष हम लोगों ने किया ट्रैकिंग के टाइम पे किया, पर उन लोगों का संघर्ष जिंदगी जीने से था यार। और आने वाले दिनों में कुछ सारी ऐसी बातें हमको जानने को मिली जिनको देखने के बाद समझ में आया कि ऐसी जगहों में रहना कितना मुश्किल है। यहाँ से आने के बाद अब यहाँ से ऐसे पीछे कहीं जाना है भाई, वहाँ जहाँ हल्का पहाड़ दिख रहा है। भाई आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने नंदाकुंड का ट्रैक किया था। मेरे को जीन्स आती है कमर बताऊँ तो जो होती है 30 सेंटीमीटर होता है, इंच होगा, इंच 30 इंची की मेरे को कमर आती थी। जीन्स मेरे सारे 30 इंच के थे। घर आके नंदाकुंड से, घर आने के बाद मैंने जीन्स पहने तो 2 इंच लगभग कम हो गया था, 2-3 किलो वेट कम हुआ था, 3-4 किलो। और यहाँ भी यही होने वाला है, क्योंकि यार सुबह हम निकले थे एक मैक्रोनी के भरोसे, पास्ते के भरोसे, और चाय पी थी, और अभी तक ढंग से कुछ खाना खा नहीं रखा। और ट्रैक ऐसा है कि भाई हमको चलते हुए लगभग 5.5-6.5 घंटे हो चुके हैं, 6-7 घंटे होने वाले हैं। तो 6-7 घंटे हम चल रही हैं और खाना कुछ नहीं खाए हैं, तो यही लग रहा है वेट कट फिर से होने वाला है यार, 4-5 किलो फिर से डाउन होने वाले हैं। और अभी
ये खा रहे भाई एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें हम लेके आए थे ऐसे खाने वाली जो हम जल्दी जल्दी खा लें वो हमने लगभग खा ली हैं। कुछ बिस्किट बचे हैं कांद और ये चॉकलेट बची है यार। सुबह के 7 बजे से चलते हुए दिन के 1:30 बजे हम लोग इस जगह पे पहुंचे। यहाँ पे लोकल गांव के कुछ टेंट लगे हुए थे और ये सारे वही लोग थे जो कल शाम हमको लिंगुरानी में मिले थे। ये लोग लिंगुरानी से आज सुबह 4 बजे ही निकल गए थे और इनका आज का स्टे यहीं पे रहने वाला था। इनका भी कहना था कि अभी रालम गांव बहुत दूर है और मौसम भी ख़राब हो रहा है, यहीं कैंप लगा लो। पर अभी रात होने में काफ़ी टाइम था तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, रालम विलेज ना सही पर आज के दिन मरछाली तक तो जरूर जाएंगे। एडवेंचर हो रखे क्यों भाई, ये देखिए छेद हैं आराम से, पैर मुड़ने के चांसेस हैं यार, डर डर यहाँ पे। सही वक्त पे सही जगह पे आप पहुंचे हैं, क्योंकि वहाँ देखिए बारिश लगने वाली है भाई, उधर तो होने लगी है, बस यहाँ तक पहुँचनी है और सही टाइम पे हम इस गुफा के नीचे। चलते चलते भाई सुबह से शाम होने को आई है, मंजिल नहीं आई। पर यहाँ पे अभी मई जून के महीने में भी इतना ठंड है कि बर्फ़ नहीं पिघल पा रही भाई, इधर और इधर पे देखिए टोटल बर्फ़ है लेकिन अभी तक पिघली नहीं है यार। जाना है हमको उधर कहीं इन पहाड़ों के पीछे, वहाँ यहाँ पे तो नदी के एकदम पैरेलल ही चल रहे हैं यार। ये है रालमगढ़ यानी रालम नदी, लेवल देखा जाए तो नदी के ही लेवल में लगभग हम लोग अभी। कितने घंटे, 8 आठ घंटे चल चुके हैं भाई, और हाई एल्टीट्यूड की चढ़ाई है जितना हम चढ़ के आए हैं आज, बावजूद उसके अभी हम रालम नहीं पहुँचे यार। यहाँ से पता नहीं कितने हैं, कुछ नहीं पता, बस चलते हुए जाना है, रालम कैसे भी करके पहुँचना है। रालम नहीं तो एक और जगह आने वाली रास्ते में, क्या नाम था यार, मरछाली पहुँचना है कैसे भी, और उसके बाद देखेंगे अगर रालम नज़दीक हुआ तो रालम गांव तक जाने की कोशिश करेंगे और फिर कल सुबह गाँव से निकलेंगे ग्लेशियर की तरफ। ये देखो भाई खाई देखो यहाँ से नीचे, जो गिरा वो गया भाई, डन है उसका भाई, जोखिम भरे रास्ते हैं यार भाई। ये सामने पे हिमालय रेंज दिखाई पड़ रही है, अभी तक यहाँ बादल थे, नीला आसमान दिख रहा है अब। वाह भाई वाह, जाना है हमको मरछाली बताया, अभी एक दाजू मिले उन्होंने बताया कि कहीं जो गैप आया दिख रहा है बीच में एक बाहर को आया हुआ, वहाँ कहीं मरछाली है और रालम पीछे कहीं इस पहाड़ के जहाँ धुंध है। बहुत जाने है भाई रालम के लिए, ये ट्रैक है यार, ट्रैक बहुत तगड़ा है भाई, ऐसी बात नहीं है। और आए तो कहाँ पता नहीं कहीं से हैं यार, कहीं गहराई से भाई, दिखा भी नहीं सकता। चलते हैं यहाँ से आगे, अभी चलने 1.5 घंटे का ट्रैक और है मरछाली तक, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये दिख रही है ट्रेल और सामने पे मवेशी दिख रहे हैं, बकरियाँ वगैरह दिख रही हैं यहाँ पे पूरे बुग्याल में। अब पता नहीं भाई मरछाली है कहाँ पे, इधर है कि इस वाले के पीछे है ये नहीं पता, लेकिन जाना तो है अभी थोड़ा बहुत यार।
पर बुग्याली एरिया आना शुरू हुआ है। प्यारा सा एरिया यार। और ये शायद मेरे ख्याल से भोजपत्र के पेड़ है गाइस, ये वाले। ये वहाँ होते हैं जहाँ लगभग 3500 मीटर के एल्टीट्यूड होता है। तो लगभग यार हम अभी 3500 मीटर में होंगे, क्योंकि दारमा का भी यही सीन है। 3300 के लगभग में दातू और दुक्तू गांव है, और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर चल के हमको यही भोजपत्र देखने को मिलता है, अगर ये भोजपत्र है तो। लग तो वही रहा है यार, ऊपर का नज़ारा देखो भाई। वाह, सूरज वहाँ पे है, वो वहाँ पे देखो भाई। और यहाँ से सामने ऐसा दिखाई पड़ रहा है यार। हम यहीं से होके आई, अभी जो ट्रेल दिख रही है पीछे से, ये हिमालय के जड़ से होते हुए कहीं बहुत घाटी से। क्या ही बोले यार, कैसी जगह में हम इस वक्त यार। भाई इतनी चढ़ाई चढ़ के आ गए हैं, और यहाँ पे मस्त से घास चरते हुए हमको भेड़ों का एक ग्रुप दिखा है भाई, काफ़ी सारी हैं। नज़दीक जाने में भागेंगी, ये डर है बस। हाँ कुत्ता होगा भाई, कुत्ता तो ले जाएगा लपेटे में। ये जितनी भेड़ है ना, इनके साथ डॉगी भी रहते हैं। किसी भेड़ को छेड़ो या कुछ करो ज़्यादा तो अचानक से आते हैं भाई। यहाँ नहीं है, इसके पार ही होगा भाई, कहीं अभी उतना और ना जाना पड़े यार, जो सामने दिख रहा है उसके पार। कुत्ता भी है देखो, यही बात कर रहा था गाइस मैं। देखो वहाँ कहीं कुत्ता भी दिखाई दे रहा है, भौंक रहा है वहाँ से। तो अगर इनके ज़्यादा करीब जाते हैं तो हो सकता है कुत्ता काटने आए। बारिश लग गई यार बहुत तेज भाई, बारिश आ गई है बहुत तेज। जल्दी जल्दी चलते हैं यार, और मेरे फ़ोन में बस पावर बैंक पूरा डिस्चार्ज हो चुके हैं, 50-60% बैटरी है, तो कम दिखाऊंगा अब क्योंकि चलाने हैं भाई। भाई कितनी रिच क्रॉस कर दी, पर ये मरछाली नहीं आ रहा यार। सामने अभी और चल के जाने हैं वहाँ कहीं यार, क्या हो रहा है पता नहीं। भाई देखिए कहाँ से आ रखे हैं, कहीं उधर से यार, वहाँ कहीं से भाई, जहाँ हम बैठे थे एक बार दिखाया था आपको, वहाँ से बस चढ़ते ही जा रहे हैं यार। भाई फाइनली आज की मंजिल वैसे हमारी रालम थी, रालम विलेज, लेकिन यार बाद में फिर जितना हम चल पाए, और लोकल के भी लोग यार आज नीचे मैंने जहाँ पे टेंट दिखाए वहाँ रुके हुए थे कुछ, और कुछ सारे यहाँ पे मरछाली में रुके हैं। फाइनली हम लोग मरछाली पहुँच चुके हैं गाइस, उधर पे देखिए वहाँ तक जाना है। और यहाँ पहाड़ों में अभी अभी हिमपात हो रखा है भाई, ताज़ा वाला, जो आगे की चट्टान है ना इन पे देखिए साफ पता चल रहा है, ताज़ी बर्फ़ पड़ी हुई है भाई। अभी बारिश हुई थी यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी बारिश यहाँ हुई, मान लो एक दो दिन की बारिश कंटिन्यू यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे भी आराम से इस मई के महीने में 28 से 29 तारीख आज बर्फ़बारी हो सकती है यार। फाइनली अपनी मंजिल दिखी है, एकदम सीधा सीधे, तो चलते हैं फटाफट। और नदी इतने नीचे हमसे, वहाँ कहीं रालम गाँव दिखाई पड़ रहा है, और ग्लेशियर उधर भाई गैप में पीछे। कल भी चलना पड़ेगा भाई बहुत। मरछाली की वो पहली झलक पाकर मनु दिल खुश हो गया यार। टारगेट तो आज रालम गांव पहुंचने का था, पर मरछाली तक पहुंचना ही अपने लिए एक कठिन चुनौती की तरह था। जितना हमने सोचा था ये ट्रैक उससे भी कहीं ज़्यादा लंबा था। सुबह के 7 बजे से चलते हुए शाम के लगभग 6 बजे हम लोग मरछाली गाँव में पहुंचे। अभी तक तो बस बूंदाबांदी हो रही थी, पर मरछाली पहुँचते ही तेज बारिश आनी शुरू हुई, और सही समय पर हम लोग
सही जगह पहुंच गए। फाइनली मरचाली की दुकान में ये रही दुकान। यहाँ पे बैठते हैं यार थोड़ी देर, देखते हैं भाई। नहीं यार, कौन सी 10,000 नहीं देखी यार, तू बता रहा था एक टाइम तो शायद। मरचाली में कुछ देर दुकान में बैठे रहे और बाहर लगातार बारिश होती रही। लगभग 1 से 1.5 घंटा हम लोग उसी दुकान में बैठे रहे और बाहर का टेम्परेचर लगातार कम होता गया। ये महीना मई का था पर यहाँ ठंड इस कदर थी कि मानो सर्दियों का मौसम चल रहा था। दुकान में लोकल मरचाली गांव के एक भाई हमको मिले जिन्होंने हमको खुले में कैंप नहीं लगाने दिया क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा था और बाहर लगातार बारिश हो रही थी। मरचाली गांव में गवर्नमेंट के बनाए कुछ हट्स मौजूद थे तो अपनी आज की कैंपिंग उसी हट के अंदर रहने वाली थी। जैसे ही हम लोग दुकान छोड़कर हट्स की तरफ बढ़े तो बाहर का नज़ारा देखकर मानो कुछ देर तक आंखें खुली की खुली रह गई। जिन पहाड़ों पे अभी तक कुछ नहीं था, 1 घंटे की बारिश के बाद वो सारे पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़ चुके थे। मरचाली गांव के भूपी और हिमांशु भाई ने यहाँ पहुँचने के बाद अपनी बहुत हेल्प करी। बारिश के मौसम में वो लोग लकड़ियाँ लेकर हट के अंदर आए और प्यारी सी आग जलाई। यहाँ से रालम गांव लगभग 5 किलोमीटर दूर था और रालम गांव से ग्लेशियर के लिए हमको 5 किलोमीटर और चलना था, तो कल हम लोगों को मरचाली से रालम ग्लेशियर के लिए लगभग 10 किलोमीटर और चलना था। सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं हो पाई पर आज के दिन जो कुछ भी हुआ वो सच में सुकून दे रहा था। तो कुछ इस तरह अपने तीसरे दिन का ट्रैक यहाँ मरचाली में आकर ख़त्म हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है आपको अच्छे से पता है यार। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी रालम ग्लेशियर की 4थी और फाइनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।